साहिल मारता रहा, साक्षी तड़पती रही, वो चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उस दरिंदे का दिल नहीं पसीजा। राह चलते लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उस मासूम को बचाने की जहमत तक नहीं उठाई। बस तमाशबीन बने रहे, लोग देखते रहे, क्या दिल्ली वालों के दिल में जरा भी जिंदा दिली नहीं बची है। इस दर्दनाक खौफनाक वीडियो को देखकर तो यूं ही लगता है 21 बार चाकुओं से वार, इतने से दिल नहीं भरा तो उसने बड़े से पत्थर से उसको कुचल दिया, और तब तक मारता रहा जब तक उसकी एक एक सांस नहीं उखड़ गई। उसकी हत्या से पूरा देश दहल गया है, और एक बार फिर से दिल्ली शर्मसार हो गई है। साक्षी मर्डर की पूरी कहानी। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में मौत का एक खौफनाक मंजर शुरू हुआ। एक 16 साल की लड़की और एक 20 साल का मैकेनिक लड़का। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें देखा गया कि कैसे साहिल ने हैवान बनकर साक्षी की जान ली। साक्षी की हत्या करने के बाद वो फरार हो गया। हथियार छुपाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश, साहिल हत्याकांड को अंजाम देकर भाग निकला। इसके बाद उसने फोन ऑफ किया और इठाला पहुंचा। वहां उसने हत्या में इस्तेमाल किए हथियार फेंक दिए। इसके बाद वो बस पकड़कर बुलंदशहर भागा था। साहिल ने एक पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को गुमराह करने के लिए बुलंदशहर जाने के दौरान पुलिस को चकमा देने के लिए दो बस पकड़ी थी। एक फोन कॉल से खुल गई साहिल की पोल। साक्षी की मौत की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना पाकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिया, जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस मृतका के परिवार के पास पहुंची, जहां उन्होंने हत्यारे की पहचान साहिल के तौर पर बताई। इसके बाद पुलिस साहिल के घर पहुंची, वो घर पर मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस का सहारा लिया, तभी साहिल की बुआ ने फोन कर साहिल के पहुंचने की खबर उनके पिता को दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम साहिल के पिता के साथ बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के अटेरना गांव पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साक्षी के शरीर पर चोट के 34 निशान। साहिल ने रविवार शाम को साक्षी की हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्षी के शरीर पर सिर पर चोट के 34 निशान मिले हैं। जून 2021 से रिलेशनशिप में थे साक्षी और साहिल। साहिल और साक्षी जून 2021 से रिलेशनशिप में थे। साहिल से पहले साक्षी की दोस्ती प्रवीण नाम के युवक से थी। साहिल को शक था कि साक्षी प्रवीण के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में है। इतना ही नहीं, साहिल ने कुछ दिन पहले साक्षी को धमकाया था कि उसे जान से मार देगा। साक्षी ने कुछ दिन पहले साहिल से बात करना भी बंद कर दिया था। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। साक्षी साहिल से ब्रेकअप करना चाहती थी, जबकि साहिल लगातार उसे मिलने की कोशिश कर रहा था। शनिवार को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या करने का फैसला किया। साहिल को मिले फांसी, साक्षी के परिजन। हत्याकांड के बाद लड़की की मां का बयान सामने आया है। साहिल के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए उन्होंने बताया कि बेटी पिछले 10 दिन से अपनी सहेली के घर में रह रही थी। उसने इसी साल 10वीं की परीक्षा पास की थी। हाथ में खलावा, गले में रुद्राक्ष की माला। साक्षी को गुमराह करने के लिए उसने ऐसा किया या प्रवीण से बात करने की नाराजगी थी, इस बात की जांच चल रही है। कोर्ट ने साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। कई खुलासे हुए हैं। पता ये भी चला है कि साहिल कई लड़कियों से इंस्टाग्राम पर बात करता था। इसके अलावा ये लव ट्राइंगल है या लव जिहाद की सियासी मजहब, ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक बेटियां यूं दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? कभी श्रद्धा, कभी अंजलि, कभी साक्षी बनती रहेंगी, और इन दरिंदों को आखिर फांसी कब मिलेगी?